दुनिया पे हम लोग दो तरह क्रियाएं करते हैं। एक क्रिया होती है यानी काम, एक क्रिया होती है आर्थिक और दूसरी होती है अनार्थिक। आर्थिक क्रिया उसे कहते हैं, आर्थिक माने पैसा, आर्थिक क्रिया उसे कहते हैं जिससे हम लोग पैसे कमाएं, कोई व्यापार करें, और व्यापार किसी भी टाइप का करें, नौकरी करें, कोई काम करें, आप काम भी किसी भी टाइप का काम करें, तो वो सभी क्रियाएं जिसके ज़रिए से हम लोग काम करते हैं उसे हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और वो सभी क्रियाएं जिससे हम काम ना करते हों वो अनार्थिक क्रियाएं कहलाते हैं। जैसे अनार्थिक क्रिया में क्या आता है, मोबाइल देखना, देर तक सोना या कम देर भी सोना, टीवी देखना, टहलना, घूमना फिरना, तो ये जो क्रियाएं होती हैं अनार्थिक क्रियाएं। हम लोग की जो स्टूडेंट लाइफ होती है इसमें हम लोग चाहें तो आर्थिक क्रियाएं करें और चाहें तो अनार्थिक क्रियाएं करें। हम लोगों का कामयाब होना है, कामयाबी कोई मंत्र नहीं होता है, कोई सूत्र नहीं होता है, तो हम लोग चाहे अपने स्टूडेंट लाइफ में चाहे आर्थिक क्रियाएं करें या अनार्थिक क्रियाएं करें। अब सफलता कोई मंत्र नहीं होता है, चाहे तो आप इसको सो के गुजारें या कोई काम करके या पढ़ कर गुजारें। थैंक यू। आज हमारे बीच में आज सिमन चौरसिया मौजूद हैं एक नए एजुकेशन टॉपिक के ऊपर और कंप्यूटर टॉपिक के ऊपर। देखते हैं उनका संदेश क्या है हमारे बीच में। थैंक यू। हाय एवरीवन, आई एम सिमरन चौरसिया, फिरदौस कंप्यूटर की स्टूडेंट। आज हम सर के लिए दो लफ्ज़ बोलना चाहेंगे। जन्मदिन, माता पिता, शिक्षा देते ज्ञान, शिक्षा कारण मिल रहा आज हमें सम्मान, शिक्षक शिक्षा बांटते हैं तरु तो जैसे छाँव, लो इनसे आशीष तुम छूकर इनके पाँव। कंप्यूटर के बारे में कुछ क्वेश्चन के आंसर देना चाहेंगे। कंप्यूटर में हिंदी को संगणक कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू बोलते हैं, कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल बोलते हैं, कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या 12 होती हैं, कीबोर्ड में की 104 होती हैं, LAN का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट होता है। आज हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे जिसमें टीचर और शिक्षक की कहानी होती है। एक बार की बात है, एक स्कूल में पेपर चल रहा होता है, उसी के दौरान सभी बच्चे क्लास में पहुंचते हैं, वहां पे पेपर देते हैं, वहां पे टीचर आते हैं और बोलते हैं कि आज 3 घंटे का टाइम दिया गया है पेपर के लिए। बच्चे बहुत ही खुश होते हैं और वो बैठ जाते हैं, तभी बच्चों को पेपर बांटा जाता है, उसी के दौरान पेपर बच्चे लिख रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद एक स्टूडेंट होता है, वो अपने सर से बोलता है, सर मेरी वॉच खो गई है, बहुत ही महंगी वॉच थी। वो बच्चा बोलता है कि सर बहुत कीमती थी मेरे लिए, इसीलिए सर सोचते हैं अभी इस रूम से ना कोई बाहर गया है ना ही कोई अंदर आया है। फिर वो एक बच्चे से कहते हैं दोनों डोर बंद करो। फिर वो बच्चा उठ के बंद करता है, फिर वो वहाँ पे आता है, फिर सर सोचते हैं अगर मैंने ऐसे किसी की जेब चेक की तो एक दूसरे में बेइज्जती हो जाएगी, वो फिर क्या करेगा। फिर वही स्टूडेंट जो चोरी करता है वो सोचता है आज मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। फिर वो आत्महत्या की बात करता है कि मैं फांसी लगा लूँगा या खुद को मार दूँगा, ये सब सोचने लगता है। तो सर भी बहुत हैरानी से सोचते हैं कि अगर मेरे बच्चे ने कुछ कर लिया तो बात तो मेरे ऊपर ही आएगी। फिर उसके बाद सर सबको ब्लैक पट्टी देते हैं, सबके फेस पे बांध देते हैं, फिर सर सबकी जेब चेक करते हैं, फिर एक ही जेब में मिलता है, फिर वो उसी के जेब में जिसकी वॉच होती है उसी जेब में रख देते हैं जा कर के। फिर सबकी पट्टी खुलवाते हैं और बोलते हैं देखो वॉच किसके पास है, फिर उसको वॉच उसी में मिलती है। तो फिर सर बोलते हैं देखा बेटा तुम्हारे पास ही वॉच थी लेकिन तुमने देखा नहीं। फिर कुछ दिन बाद वो बच्चा बहुत सोचता है कि सर ने ऐसी चीज़ की तो हम बच गए, लेकिन फिर भी मेरी कितनी बेइज्जती हुई, सर तो जान ही गए होंगे, लेकिन वो फिर भी सोचता है चलो हम अपनी मेहनत से कमाते हैं और पढ़ते हैं। फिर वो बहुत दिन तक पढ़ता है, लेकिन पढ़ने के बाद भी वो कुछ क्लासों में फ़ेल हो जाता है, लेकिन तभी वो अपनी हिम्मत नहीं छोड़ता है क्योंकि उसको वही बातें याद आ जाती हैं, हमने चोरी की थी, अगर मेरी बेइज्जती हो जाती तब मैं क्या करता। फिर उसके बाद फिर भी वो पढ़ाई जारी रखता है। फिर वो एक दिन बहुत अच्छा कामयाब
कामयाब स्टूडेंट बनता है, फिर उसका खुद का बिजनेस हो जाता है, फिर वो चार पे की गाड़ी लेके बहुत उसका अच्छा बंगला गाड़ी सब चीज़ हो जाती है उसके पास, लेकिन वो बच्चा फिर भी वो चीज़ नहीं भूल पाता है कि जो उसने किया था। फिर वो अपने टीचर के पास जाता है और बोलता है, सर आज मैं वही लड़का हूँ जिसने क्लास में घड़ी की चोरी की थी एक बच्चे की। फिर टीचर बोलते हैं बेटा मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैंने आप लोगों को ब्लैक पट्टी बांधने के लिए बोली थी तब मैंने भी बांध लिया था, मैं नहीं चाहता था कि किसी स्टूडेंट की मेरी नज़र में बेइज्जती हो। फिर इसी के दौरान फिर वो टीचर का बहुत बड़ा शुक्रिया करता है कि टीचर आपने मेरी इतनी रिस्पेक्ट की, मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी नहीं रखूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैंने चोरी के सिवा कुछ नहीं किया। इसीलिए वह स्टूडेंट बहुत रोने लगता है, सर के पैर छू के आशीर्वाद लेता है और बोलता है, सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने मेरे साथ ऐसा किया, मैं आपकी वजह से इस बदौलत पर खड़ा हूँ। स्टॉप करता हूँ।